नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेमजे निमना अलोंग इन दिनों खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें की हैं। तेमजे ने कहा है कि पूर्वोत्तर के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, नक्शे में भी नहीं बता पाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सब को लेकर चलते हैं। पूर्वोत्तर कहाँ था वो भी मालूम नहीं था, मिजोरम कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, वो किस तरफ है वो भी दिल्ली बंबई में मालूम ही नहीं था। मगर आज तो पूर्वोत्तर कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, असम कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, इन सब चीजों को हम सबों का प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं। अभी आप मत समझिए कि हम लोग यहाँ मंच में ज्यादा बीजेपी लोग बैठे हुए हैं इसलिए बीजेपी वाला ही बातों को रख रहे हैं। जो कोई पार्टी में भी हो, किसी पार्टी में भी हो, वो सब मन में जानते हैं मगर वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं। मगर हम लोगों को सौभाग्य है इसलिए बोलते हैं। इससे पहले भी वो अपने भाषणों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। तेमजेन ने उत्तर पूर्व के लोगों की छोटी आंखें होने लेकिन साफ नजरिए वाले बयान देकर सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोरी थी। स्पीच में तेमजेन ने कहा था कि एक बार वो ताजमहल आए थे तो लोग उनसे पूछने लगे कि क्या वो सच में भारतीय हैं। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे, उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे, तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। बता दें कि 41 साल के तेमजे निमना अलोंग नागालैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नागालैंड सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मंत्री भी हैं। तेमजेन को 2018 विधानसभा चुनाव में अलोंग टाकी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था। वो साल 2018 से सरकार में उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री और ट्राइबल अफेयर्स मंत्री हैं। लेकिन वो नागालैंड से होने के बावजूद तेमजे निमना अलोंग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।